हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल टेक रिव्यूज रणदीप पर। तो आप सबके लिए आज लाया हूँ एक नया स्मार्टफोन का रिव्यू, यानी कि ये प्राइस रेंज में आपको अच्छा स्मार्टफोन मिलने वाला है। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखें और कहीं पर भी स्किप मत करें कृपया करके। तो इस वीडियो को आप फुल रिव्यू में देखें, क्योंकि आप सबको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस रेंज में आपको कोई भी अच्छा ब्रांड स्मार्टफोन नहीं दे सकता है। इस स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स S5 लाइट। तो ज़रूर देखें कम प्राइस में इतना बढ़िया स्मार्टफोन आपको मिल रहा है। तो मैं कलर से बात कर लेता हूँ, तो तीन कलर में आपको देखने को मिलता है, ब्लैक, ब्लू और एक बैगनी कलर का स्मार्टफोन है। तो रैम से बात करूँ तो 4GB का रैम 64GB का स्टोरेज के साथ आता है। डिस्प्ले से बात करूँ तो 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें होल नोच दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं बैटरी की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में बैटरी 4000mAh का दिया हुआ है। और प्रोसेसर की बात करूँ तो हीलियो P22 का प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि आप सबके लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो आपको इसमें मेल देखने को मिल रहा है 16+2 MP का कैमरा, एक आता है लो लाइट में सेंसर कैमरा, तो काफ़ी अच्छी बात है। ट्रिपल कैमरा आप सबको देखने को मिल रहा है। फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं बात कर लूँ इस स्मार्टफोन के सेंसर की, तो जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ या फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब सेंसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। 3.5mm का जैक भी दिया हुआ है इस स्मार्टफोन में। और मैं बात कर लूँ लास्ट में, और यानी कि सबसे मेन रीज़न प्राइज आपको सबसे कम देखने को मिल रहा है फ्रेंड, क्योंकि आपको इस प्राइज रेंज में और भी इस तरह का स्मार्टफोन नहीं देखने को मिल सकता है, यानी कि 7999 में आपको इससे बढ़िया प्राइज रेंज में कोई भी स्मार्टफोन मिल ही नहीं सकता। 8000 में आपको इतना अच्छा स्मार्टफोन, आंख बंद करके इस स्मार्टफोन को जाइए खरीदिए, क्योंकि इससे बढ़िया डील आपको नहीं मिलने वाला है फ्लिपकार्ट पर। नीचे लिंक दिया हुआ है, जाइए खरीदिए। ओवरऑल मेरा डिसीजन की बात करूँ तो मुझे ये स्मार्टफोन कैसा लगा, मुझे ज़्यादातर इस खास स्मार्टफोन में लगा है रैम, 4GB का रैम 64GB का स्टोरेज के साथ। और कैमरा क्वालिटी भी हमें ठीक ठाक ही लगा है, बैटरी भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, यानी कि 4000mAh का बैटरी दिया हुआ है, तो काफ़ी मुझे पसंद आया ये चीज़ इस स्मार्टफोन में। कैमरा क्वालिटी ठीक है, तो आप सब जा सकते हैं स्मार्टफोन में, मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर आप सबको पसंद नहीं आया तो रिव्यू आते ही रहता है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और भी हो सके आपको पसंद आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, और वीडियो को लाइक तो करना बहुत ज़रूरी है, और जाके हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा, कोई प्रॉब्लम की वजह से, मैं लाऊंगा बहुत जल्द फेस कैम वीडियो। फिलहाल आप ये वीडियो से काम चलाइए। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बाय बाय, टाटा, और क्या कहूँ, बाय बाय।